जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय जिनेंद्र, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हमारे पूजनीय साधु एवं साध्वी भगवंत वर्षा ऋतु अर्थात बरसात में भीग जाने पर क्या करते हैं। मित्रों, मात्र 2 मिनट के इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मित्रों, आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो किंतु लाइक करना भूल जाते हो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमारे साधु एवं साध्वी भगवंत वर्षा ऋतु में विहार नहीं करते हैं, अर्थात एक स्थान पर 4 महीने चातुर्मास में स्थिर रहते हैं। कभी भी बिना किसी कारण के बरसती हुई बरसात में बाहर नहीं निकलते हैं, किंतु किसी विशेष परिस्थितियों में अथवा भूलवश यदि बरसात में हमारे साधु एवं साध्वी भगवंत भीग जाते हैं तो वह क्या करते हैं, यह शास्त्रों में बताया गया है। दश वैकालिक सूत्र में कहा गया है कि यदि वर्षा काल में किसी कारण से गमनागमन करते हुए मुनि का शरीर यदि सचित अर्थात अमर्यादित जल से भीग जाए तो उस जल को किसी भी प्रकार से कपड़ों द्वारा पोंछते अथवा सुखाते नहीं है, तथा हाथ से मलकर भी नहीं सुखाते हैं, क्योंकि बरसात का जल सचित जल होता है और सचित जल में अनेकों सूक्ष्म जीवों का वास होता है। इस प्रकार से हमारे साधु एवं साध्वी भगवंत जल कायिक जीवों की रक्षा करते हैं। मित्रों, इस वीडियो को शेयर कर अनुमोदना कीजिए। जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु सब्सक्राइब करना ना भूले।